चौथी टाइप ऑफ मदर इन लॉ जो है वो कहलाती है कि ये डॉटर इन लॉ की मिस्टेक्स ढूंढती रहती है और गिल्ट के जरिए उसको कंट्रोल करती है, उसकी मिस्टेक्स उसको याद दिला के तुमने ये गलती की, तुमने ये गलती की, तुमने ये गलती की, और फिर उसके बाद उसके अंदर एक गिल्ट का एहसास पैदा कर देती है। तो साफ जाहिर है कि वो बच्ची सरेंडर कर जाती है कि ठीक है आप जो कहेंगी मैं वही करूंगी। तो ये गिल्ट के जरिए अपनी डॉटर इन लॉ को अपनी बांदी बनाए रखती है। एक मदर इन लॉ होती है, रिजेक्टर उसको कहते हैं, ये वो होती है कि जिसने शुरू से नियत जहन में की होती है कि मैंने इसको एक्सेप्ट नहीं करना, लिहाजा डॉटर इन लॉ सोने की भी बन जाए तो वो इसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं होती, उसकी हर बात में कोई ना कोई उल्टा पहलू निकाल ही लेती है। ये डॉटर इन लॉ के माइनर फॉल्ट को भी जूम करके बड़ा बना लेती है। और छठी किस्म जो है वो है, उसको कहते हैं मास्टर ऑफ चाओज। ये वो सास होती है कि जिसकी अपनी अज़्दवाजी जिंदगी ठीक नहीं गुजरती, लिहाजा वो बहू को भी चैन से नहीं जीने देती, जो उसके साथ गुजरा होता है वो उसी को रिप्ले करती है और अपनी बहू के भी नाक में दम कर देती है। एक सातवीं टाइप है, उसको कहते हैं बुल्ली मदर इन लॉ। ये एक जुमला बोलने की माहिर होती है, मिसाल के तौर पे यूं कहेगी खामिद के सामने, मुझे पता है तुम बहुत मसरूफ हो लेकिन तुम्हारा घर बहुत गंदा है। तो एक फिक्रा बोल के उसके सारे की एक किराए पे पानी फेर देती है, और अगर वो इस पर रद्द अमल दिखाए तो कहेगी मैं तो तुम्हें तुम्हारी निशानदही कर रही थी, तुम्हारे साथ खैरखाही कर रही थी। तो ये खैरखाही के उस वक्त जो है मोड में आ जाती है, हालांकि असल इसका मकसद ये होता है खामिद के सामने बीवी की ऐसी वीकनेस को बयान करना कि खामिद फील करे कि मेरी बीवी के अंदर कमजोरियां हैं। आगे क्वेश्चन है कि वाई डू मदर इन लॉज एक्ट लाइक दिस, सास इस तरह क्यों करती है आखिर। इस पर रिसर्च की गई तो इसके कई सारी रीजन निकली हैं। एक रीजन तो ये कि वो दिल में बहू को फैमिली का मेंबर ही नहीं समझती, आउटसाइडर समझती हैं, और चूंकि वो उसको आउटसाइडर समझती हैं इसलिए उसके साथ वो इक्वेशन ठीक ही नहीं करती। फिर उसको डर होता है कि कहीं मैं अपने बेटे को लूज न कर बैठूं, मेरा बेटा मुझसे दूर ना हो जाए, ये आने वाली लड़की कहीं मेरे बेटे को ऐसे चुंगल में न फंसा ले कि बेटे का चेहरा देखने से ही मैं महरूम हो जाऊं, ये डर भी होता है उनके दिल में। ये वो मदर इन लॉज होती हैं कि जिनकी हमेशा ये फीलिंग होती है कि डॉटर इन लॉ हैज स्टोलन माय सन, उसने मेरे बेटे को मुझसे चुरा लिया है। सास का इंटरेस्ट ये होता है कि मैं खुश रहूं, और डॉटर इन लॉ का इंटरेस्ट होता है कि मेरा घर है, इस घर में मुझे खुश रहने की इजाजत होनी चाहिए। तो चूंकि डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट है इसलिए
बहु अपने काम में लगी होती है, सास अपने मामलात में लगी होती है। अब अगली बात, प्रैक्टिकल स्टेप्स टू बी ए गुड मदर इन लॉ, कि प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या लिए जा सकते हैं जिससे कि एक मदर इन लॉ गुड मदर इन लॉ बनकर रहे। उनमें पहली बात है कि कट द एप्रन स्ट्रिंग ऑफ योर सन, कि शादी से पहले बच्चा कंवारा था और पूरी तरह मां के सुपुर्दगी में था, अब जब शादी हो गई तो शादी के बाद अब उस बच्चे को आजादी देनी चाहिए कि वो अपनी जिंदगी की एडजस्टमेंट खुद करे, परेशान होने की जरूरत नहीं होती, वो आखिर बेटा है और बेटा मां से कभी भी दूर नहीं जा सकता। ये बात जहन में रखें कि जो डॉटर इन लॉ है उससे तो बेटे की सेपरेशन मुमकिन है, लेकिन मां से बेटे की सेपरेशन मुमकिन नहीं होती। जिंदगी में ये ऐसा ताल्लुक है जो कभी खत्म नहीं हो सकता, इसलिए मदर इन लॉ को इतना परेशान होने की जरूरत नहीं होती। बस अल्लाह से दुआएं मांगती रहे और खैरखाही की जिंदगी गुजारती रहे। फिर शादी के बाद मां को चाहिए कि रिड्यूस योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योर सन, कि शादी से पहले बेटे की अवेलेबिलिटी 100% थी, लेकिन शादी के बाद अब उसको अपनी बीवी बच्चों को भी टाइम देना है, तो इसलिए उससे एक्सपेक्टेशन खुद ही थोड़ी कम कर ली जाए। यानी नई सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए बनिस्बत इसके कि इंसान एक्सपेक्ट ज्यादा करने लग जाए। एक अहम नुक्ता कि वेलकम योर डॉटर इन लॉ इन योर फैमिली, कि आने वाली जो बच्ची है उसको मोहब्बत प्यार से रखें और उसे अपनी फैमिली का हिस्सा बनाएं। उसका तरीका यह है कि एनकरेज योर सन टू कंसल्ट हिज वाइफ, अगर बेटा कोई भी बात करे तो बेटे को मशवरा दें कि बेटा अपनी बीवी से मशवरा भी कर लो, ताकि मियां बीवी का आपस का ताल्लुक अच्छा रहे। और मदर इन लॉ को शी शुड बी हैप्पी कि बच्चे ने अपनी पसंद की बीवी चुन ली है, लिहाजा जो अपने घर की डेली डिस्कशन लें उसमें डॉटर इन लॉ को शरीक करना चाहिए, फैमिली स्टोरीज उसके सामने बयान करनी चाहिए। और एक ये कि डॉटर इन लॉ को काम करने की फ्रीडम देनी चाहिए, फर्ज करो बच्चों को रेज करना है या कुछ और, तो शी शुड लर्न फ्रॉम हर एक्सपीरियंसेस।